12GB RAM, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, most powerful 5G CPU, 144 hours 3D curved AMOLED display and flagship voice camera with 4K video recording. ये सारे specs इस video के अंदर pick किए गए top 5 smartphones के अंदर available है. So hey guys, welcome back to the video. दोस्तों इस interesting video के अंदर आज हम बात करेंगे top 5 best value for money powerful smartphones के बारे में under Rs. 20,000 जहाँ पर आपको 5G connectivity के साथ साथ interesting specs मिलते हैं. Like आप high level की gaming कर सकते हो, top plus display content viewing एक्सपीरियंस कर सकते हो, बेस्ट क्वालिटी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी या फिर शॉर्ट्स रील्स क्रिएट कर सकते हो. तो अगर आपको इस टाइम पर अंडर 20 के प्राइस सेगमेंट में एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बाय करना या बाय करने का प्लान कर रहे हो देन ये वीडियो आपकी काफी हेल्प कर देगा बेटर सजेशन के लिए. डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए. बट क्या सर, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले डिवाइस की जो आता है मेरी लिस्ट में Redmi की तरफ से, Redmi Note 12 Pro 5G. बेसिकली दोस्तों ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है बट स्टिल प्राइस के अकॉर्डिंग जबरदस्त स्पेक्स मिलते हैं एंड ये अंडर 20 के प्राइस में दी बेस्ट फोन है Redmi ब्रांडिंग के साथ. एक्चुअली दोस्तों ये 25,000 के प्राइस पर लॉन्च हुआ था. 6+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.67 इंचेस FHD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंच होल, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 900 ब्राइटनेस, 240 हर्ट्ज का TSR एंड HDR 10 प्लस सपोर्ट मिलेगा. डिस्प्ले टॉप क्लास मिलता है फॉर कंटेंट वाचिंग. बैक साइड में ग्लास मिलेगा विद ग्लॉसीनेस जो गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है. बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है, इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे. प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS जो फ्लैगशिप कैमरा सेंसर IMX766 के साथ आता है. साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा. फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है. इसके बैक कैमरे से 4K 30fps एंड सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो. देखो कैमरा परफॉर्मेंस बढ़िया मिलता है प्राइस के अकॉर्डिंग. फ्लैगशिप सेंसर, OIS और 4K तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है जिससे आपको बेस्ट कैमरा क्वालिटी मिलती है. डे लाइट कंडीशन में बेस्ट क्वालिटी फोटोज और वीडियोस निकाल सकते हो एंड OIS का सपोर्ट भी मिलता है जिससे आपको काफी स्टेबल आउटपुट मिलेगा. इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 1080 जो एक 6nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है, 4 लाख के अराउंड स्कोर आता है. मीडियम सेटिंग्स पर अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो बट एकदम हाई गेमिंग एक्सपेक्ट मत करना. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है और इसमें LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा एंड डुअल सिम स्लॉट दिया गया है. 2 सिम के साथ SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते. इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. बाकी इसमें IP53 की रेटिंग, IR ब्लास्टर, 3.5mm जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं. तो ये 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है फिलहाल 22,999. बट अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो देन आफ्टर डिस्काउंट आप इस फोन को 20,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो. दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord C3 Lite 5G. ये अंडर 20 के दी बेस्ट OnePlus फोन है. ब्रांड वैल्यू के साथ साथ ऑक्सीजन वर्स का यूजर एक्सपीरियंस मिलता है. 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.72 इंचेस FHD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंच होल, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा. डिस्प्ले टिक टॉक दिया गया है, डिसेंट कंटेंट एक्सपीरियंस मिलेगा बट हाँ स्मूथनेस आपको कमाल की मिलती है फॉर गेमिंग. और इसमें आपको 2 मेजर कॉन्स मिलते हैं. आप इस पर HDR और 4K कंटेंट प्ले नहीं कर सकते और ये ओनली 8-bit पैनल है. जनरली इस सेगमेंट में 10-bit इजीली मिल जाता है. बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसीनेस. इसमें आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे. प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल दिया गया है जो सैमसंग के HM6 सेंसर के साथ आता है. साथ में 2 का डेप्थ और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा बट इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है. फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है. इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो. डिसेंट कैमरा क्वालिटी मिलती है. इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है Qualcomm Snapdragon 695 जो एक 6nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है, 4,20,000 प्लस स्कोर आता है. कैजुअल यूजेज में अच्छी खासी गेमिंग करा देगा. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि ऑक्सीजन OS 13.1 पर बेस्ड है और इसमें LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा एंड डुअल सिम स्लॉट दिया गया है. इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इन द बॉक्स 80 वॉट अडैप्टर भी मिलेगा. बाकी इसमें 3.5mm जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स एंड 8GB तक वर्चुअल रैम भी कर सकते हो. तो ये 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज ब्रांड के साथ आता है जिसकी प्राइस है 17,999, 18,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो.
तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से Moto G84 5G। ये 12GB रैम एंड स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आने वाला वन ऑफ दी बेस्ट स्मार्टफोन है। 12GB प्लस 256GB सिंगल वेरिएंट से आता है और इस फोन के अंदर 6.55 इंचेस FHD प्लस PoLED डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल। 120Hz फास्ट रिपेयर सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 240Hz का TSR, 1300Hz ब्राइटनेस एंड ये 10-bit पैनल है, यानी कि 1 billion कलर्स मिलते हैं। डिस्प्ले टॉप क्लास मिलेगा नो डाउट, स्मूथली गेमिंग कर सकते हो एंड कंटेंट एक्सपीरियंस भी बढ़िया मिलेगा। बैक साइड में वीगन लेदर डिजाइन मिलता है जो काफी प्रीमियम लगता है, बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50MP का होगा विद OIS, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड मिलता है। फ्रंट साइड में 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाएगी। इसके बैक कैमरे से 1080p 60fps मतलब 2K एंड सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिलती है प्राइस के अकॉर्डिंग। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है Qualcomm Snapdragon 695 जो अगेंस्ट 6nm पर बना हुआ है। काफी ट्राइड एंड टेस्टेड CPU है, 4 लाख प्लस स्कोर आता है। मीडियम सेटिंग्स पर टॉप नॉच गेमिंग कर सकते हो। बजट के अंदर ये काफी पॉपुलर एंड पावरफुल भी है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि MyUX मतलब स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। ये बेसिकली क्लीन UI है, कोई भी एड्स या फिर फालतू के ब्लॉटबर्स देखने को नहीं मिलते हैं। और इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। एक सिम एक SD कार्ड या फिर 2 सिम एक्सपेंड कर सकते हो। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm जैक, IP54 की रेटिंग एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस। तो ये 12GB रैम प्लस 256GB सिंगल वेरिएंट से आता है जिसकी प्राइस है ओनली 1799, सिर्फ 18,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, लेटेस्ट एंड ब्रांड न्यू पोको X6 5G। लेटेस्ट फोन है, जस्ट लॉन्च हुआ है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग टॉप नॉच स्पेक्स ऑफर करता है। 8 प्लस 256GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.67 इंचेस 1.5K सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल। 120Hz फास्ट रिपेयर सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विद हार्ट रेट सेंसर, 2160Hz TSR, मींस टच सैंपलिंग रेट, 1800Hz ब्राइटनेस, HDR 10 प्लस सपोर्ट, डॉल्बी विजन एंड 12-bit पैनल, यानी कि 68 billion कलर्स मिलते हैं। बेसिकली फुल HD प्लस एंड QHD प्लस दोनों के बीच में 1.5K आता है, मतलब फुल HD से बेटर होता है एंड QHD के काफी क्लोज होता है। नो डाउट डिस्प्ले इंप्रेसिव दिया गया, टॉप क्लास कंटेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलता है विद ग्लॉसीनेस, बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। लुकिंग वाइज बढ़िया फोन है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 64MP का दिया गया विद OIS, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 4K 30fps एंड सेल्फी कैमरे से फुल HD मींस 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी एवरेज मिलती है, मीडियम बोल सकते हो, ना ज्यादा लो ना ज्यादा हाई, अच्छी खासी कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है लेटेस्ट एंड ब्रांड न्यू Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 जो ओनली 4nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट, 6 लाख प्लस स्कोर आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, BGMI COD 60fps पर रन कर पाओगे, जबरदस्त परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है और इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है एंड डुअल सिम स्लॉट दिया गया है। 2 सिम के साथ SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसमें 5100mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 67W की टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm जैक, IR ब्लास्टर, I54 की रेटिंग एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। तो ये 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है जिसकी प्राइस है फिलहाल 2099, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इस फोन को सिर्फ 19,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लाइट स्मार्टफोन आता है Infinix तरफ से, Infinix 030 5G। ये सेगमेंट का वन ऑफ दी बेस्ट ऑलराउंडर फोन है, ओवरऑल जबरदस्त स्पेक्स ऑफर करता है। 8 प्लस 256GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.78 इंचेस FHD प्लस 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल। 144Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 2160Hz PWM डिमिंग, HDR 10 सपोर्ट, 915Hz ब्राइटनेस, 360Hz का TSR एंड ये 10-bit पैनल है, अगेन 1 billion कलर्स मिलते हैं। इंप्रेसिव डिस्प्ले दिया गया है, वन ऑफ दी बेस्ट नो डाउट। बैक साइड में वीगन लेदर डिजाइन मिलता है जो काफी प्रीमियम लगता है, बट इसका जो सेकंड वेरिएंट है ना वो आपको ग्लास बैक के साथ मिलता है विद ग्लॉसी फिनिश। इसमें आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 108MP का होगा विद OIS जो कि सैमसंग के HM6 सेंसर के साथ आता है, साथ में 13 का अल्ट्रा वाइड और 2 का डेप्थ लेंस मिलता है। फ्रंट साइड में 50MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है जो सैमसंग के GN1 सेंसर के साथ आता है। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 4K
के 60 fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिलती है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 8020 जो एक 6nm आर्किटेक्चर बेस्ड सीपीयू है, 710000 प्लस स्कोर आता है। हाईएस्ट सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, 90 fps पर पबजी यानी कि BGMI रन कर सकते हो, जबरदस्त गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि XOS पर बेस्ड है, 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है और इसमें LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। 12 सिम स्लॉट दिया गया है, 2 सिम के साथ SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP53 की रेटिंग, NFC एंड डुअल स्टोरेज स्पीकर्स मिलते हैं। तो ये 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है फिलहाल 21,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इसको 20,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो वैसे थे टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 20 के, होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।